नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तराखंड में देर रात से बारिश का सिलसिला जारी, पहाड़ियों पर गिरी बर्फ। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदलते हुए राज्य के जनजीवन को प्रभावित किया है। राजधानी देहरादून समेत राज्य के दूसरे जिलों में भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। उधर ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट भी देखी जा रही है। देर रात से जारी है बारिश। राजधानी देहरादून में बीती रात से मौसम ने अपना रुख बदलते हुए लोगों के जनजीवन को प्रभावित किया है। पिछले 12 घंटे से ज्यादा समय से बारिश का सिलसिला जारी है। बीती रात तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, जो आज सुबह भी जारी है। फिलहाल राजधानी देहरादून में तेज बारिश देखने को मिल रही है। देहरादून की सड़कें हुई जलमग्न, इसके चलते सड़कों पर जलभराव की स्थिति भी दिखाई दे रही है और इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। बारिश का असर केवल देहरादून में ही नहीं बल्कि पहाड़ी जिलों में भी देखने को मिल रहा है। कुछ ऊंची चोटियों पर बर्फबारी भी देखने को मिली है। केदारनाथ में भी पिछले कई घंटों से बर्फबारी जारी है। इस दौरान दूसरे जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने पहले ही की थी भविष्यवाणी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की भविष्यवाणी की थी। अगले 24 घंटों में भी कई जिलों में इस तरह की बारिश दिखाई दे सकती है। राज्य भर में बारिश और कुछ जगहों पर बर्फबारी के कारण तापमान में भी कम हुआ है। राजधानी देहरादून में 5 डिग्री से ज्यादा का तापमान कम हुआ है। एक बार फिर लोगों को मौसम के बदलाव ने गर्म कपड़े निकालने पर मजबूर कर दिया है। प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण वाले आदेश पर जताया रोष। सरकारी स्कूल बंद करने की बताई सोच। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा अधिकारियों के आदेशों पर आक्रोश व्यक्त करते हुए आदेशों को अव्यवहारिक बताया। शिक्षक संघ ने बताया कि विभाग द्वारा उनके प्रशिक्षण का आदेश देना गलत है, जबकि स्कूलों में नया सत्र 1 अप्रैल से चलना है। उन्होंने कहा कि विभाग के आदेश से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। ट्रेनिंग में जाते हैं तो स्कूल बंद हो जाएगा। शिक्षक भवन लक्ष्मेश्वर में हुई बैठक में वक्ताओं ने जिले के शिक्षा अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। औद्योगिक एवं औषधीय हेम्प नीति को अफसरों की धीमी चाल पहुंचाएगी बड़ा नुकसान। बाजी ना मार ले जाए हिमाचल। प्रदेश में हेम्प को पॉलिसी परवान चढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। उत्तराखंड पहले 2016 से औद्योगिक एवं औषधीय हेम्प के लिए नीति बनाने में जुट गया हो, लेकिन पिछले करीब 7 सालों में राज्य सरकारी नीति को धरातल पर नहीं उतार पाई है। अब डर इस बात का है कि कहीं हिमाचल उत्तराखंड से पहले हेम्प पॉलिसी पर काम शुरू न कर दे। अगर ऐसा हुआ तो क्षेत्र में रुचि दिखाने वाले बड़े प्लेयर्स उत्तराखंड की जगह हिमाचल जीत दे सकते हैं। इस कारण राज्य को निवेश को लेकर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। नैनीताल में खूबसूरत जंगल के बीच बने ये वाटर होल बुझाएंगे जानवरों की प्यास। 200 से अधिक जलाशय तैयार। मॉनसून सीजन में इस बार बरसात कम होने का असर आम आदमी के साथ साथ जंगली जानवरों पर भी देखा जा रहा है। बढ़ती गर्मी से तापमान के साथ साथ अब जंगल में बने जल स्रोत सूख रहे हैं। ऐसे वन विभाग ने 200 से अधिक कच्चे व पक्के वाटर होल तैयार किए हैं। इनसे जल संरक्षण के साथ साथ जंगली जानवरों के प्यास बुझाई जा सकेगी। साथ ही वाटर होल तैयार हो जाने से मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं पर भी लगाम लगेगी। गरीबी उन्मूलन में पौड़ी ने पहला तो उधम सिंह नगर जिले ने हासिल किया दूसरा स्थान। ये जिला रहा फेसड्डी। गरीबी उन्मूलन और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में पौड़ी जिले ने पहला स्थान और उधम सिंह नगर ने दूसरा स्थान पाया है। वहीं से मध्य जनपद पौड़ी समेत चमोली उत्तरकाशी अल्मोड़ा जनपद टॉप 5 में शामिल किया गया है। कुछ जिलों में सुधार की अपेक्षा है, जिससे लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ सके। दिल्ली देहरादून विकास प्राधिकरण की तरह विकसित होगा श्रीनगर नगर निगम। कवायद तेज। आने वाले दिनों में नगर निगम श्रीनगर को दिल्ली विकास प्राधिकरण व देहरादून विकास प्राधिकरण के आधार पर विकसित किया जाएगा। डीएम ने इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को भी भलीभांति अध्ययन करने को कहा, जिसके बाद कवायद को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही अपने अधीनस्थ अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। टाइगर ऑफ फ्रेश रिवर को लेकर अच्छी खबर। महाशीर मछली के लिए कोसी बैराज और नैनीताल झील बनी जीवनदायिनी। मछलियों के राजा कही जाने वाली महाशीर मछली विलुप्ति प्रजाति में है। महाशीर मछली का अस्तित्व कई राज्यों में खत्म हो चुका है, लेकिन उत्तराखंड में महाशीर मछली देखने को मिल रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि महाशीर मछली अब कुमाऊं मंडल के रामनगर कोसी बैराज डैम और नैनीताल झील में काफी तादाद में देखी जा रही है। महाशीर मछली को टाइगर ऑफ फ्रेश रिवर भी कहा जाता है। अप्रैल के पहले हफ्ते में खुल सकता है ट्रांसफर पोस्टिंग का पिटारा। कई आईएएस आईपीएस की बदली जा सकती है जिम्मेदारी। उत्तराखंड में अधिकारियों के तबादलों को लेकर सरकार की तरफ से अब कसरत तेज होने की उम्मीद है। खबर के अनुसार जल्दी राज्य में शासन से लेकर जिला स्तर तक अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव होने जा रहे हैं। खासतौर पर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में जल्द बदलाव हो सकता है। केदारनाथ में प्रशासन की तैयारियों से तीर्थ पुरोहित नाखुश। का चुनौतीपूर्ण होगी यात्रा। केदारनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर तीर्थ पुरोहित धाम पहुंचे, जहां उन्होंने शासन प्रशासन द्वारा की गई तैयारी और व्यवस्था को लेकर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कम समय बचा है, लेकिन तैयारियां अधूरी हैं। ऐसे में तीर्थयात्रियों के लिए केदारनाथ की यात्रा काफी चुनौतीपूर्ण होगी। चाचा ने 12 साल की भतीजी के साथ उठाया खौफनाक कदम, गंगा में लगाए छलांग। टिहरी जिले के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में गुरुवार 30 मार्च शाम को बड़ी घटना सामने आई है। यहां ऋषिकेश से सटे पर्यटन क्षेत्र सिरासो पुल के पास गंगा में एक चाचा ने अपनी 12 साल की भतीजी के साथ छलांग लगा दी। मामले की जानकारी मिलते ही
पुलिस और एसडीएफ हलवाला की टीम मौके पर पहुंची। दोनों की तलाश में सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन देर शाम तक दोनों का कोई सुराग नहीं लगा। आखिर मंदिर ज्यादा होने के कारण सर्च ऑपरेशन बंद करना पड़ा। अब शुक्रवार सुबह फिर से दोनों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। जमरानी बांध निर्माण मामले में सुनवाई। हाईकोर्ट ने सरकार से 3 मई तक रिपोर्ट पेश करने को कहा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 29 मार्च को जमरानी बांध निर्माण मामले में रविशंकर जोशी के दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई नैनीताल हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में की। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को जमरानी बांध निर्माण के लिए आवश्यक अनुमतियों की वर्तमान स्थिति और प्रगति 3 मई तक न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए। मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी। मसूरी गैंगरेप और हत्या मामले में इनामी आरोपी गिरफ्तार, 6 साल से चल रहा था फरार। 6 साल पहले हुए गैंगरेप हत्या और तेजाब से जलाने के मामले में फरार वांटेड इनामी जयकरण भगत को आखिरकार पुलिस ने देहरादून के बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मूल रूप से बिहार के सीतामढ़ी जिले का निवासी है। जयकरण की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने मामले में सभी 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस का सुपर फास्ट एक्शन, हत्या करने से पहले ही 4 बदमाशों को पकड़ा, बना रहे थे बड़ा प्लान। एसटीएफ और किच्छा कोतवाली पुलिस ने एक शख्स की हत्या करने के लिए आए 4 बदमाशों को वारदात को अंजाम देने से पहले ही दबोच लिया। इन बदमाशों के पास एक पिस्टल, 3 तमंचे और 19 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आरोप है कि ये 4 बदमाश एक शख्स की हत्या करने के लिए फिराक में थे। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश करने जा रही है। हत्या के लिए सुपारी देने वाला आरोपी अभी फरार चल रहा है। उत्तराखंड में भारत चीन पर स्थित मलारी गांव पहुंचे मनसुख मांडविया, वाइब्रेंट विलेज को लेकर की समीक्षा बैठक। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज अपने उत्तराखंड के दौरे पर भारत चीन सीमा स्थित मलारी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने ग्रामीणों से वार्ता के साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की। G20 समिट, उत्तराखंडी मेहमान नवाजी के कायल हुए विदेशी मेहमान कॉर्बेट पार्क का भ्रमण कर दिल्ली रवाना हुए। रामनगर में आयोजित हुए G20 समिट में डेलीगेट्स ने कल कॉर्बेट पार्क में भ्रमण किया। इस दौरान वह शासन प्रशासन की तैयारियों से काफी खुश नजर आए। वहीं कॉर्बेट भ्रमण के बाद डेलीगेट्स की फ्लीट पंत नगर पहुंची, वहां से सभी लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए। रुद्रप्रयाग में टनल और मोटर पुल निर्माण कार्य जारी, 2025 तक पूरा होने की उम्मीद। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने वाली सुरंग का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। टनल निर्माण होने के बाद 14 यात्रियों को जाम से मुक्ति मिलेगी, साथ ही समय की बचत होगी। इसके साथ ही एक मोटर पुल का निर्माण कार्य भी चल रहा है। टनल और मोटर पुल का कार्य 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। पौड़ी जिले में आबकारी विभाग ने लक्ष्य से बढ़कर दिया राजस्व, अब मिला 159 करोड़ का टारगेट। पौड़ी जिले में आबकारी विभाग ने साल 2022-23 के लक्ष्य को आसानी से पार कर लिया। इस वित्तीय वर्ष में यहां विभाग को 14 करोड़ से अधिक का लाभ हुआ। वहीं अब नई शराब नीति के तहत जिले के आबकारी विभाग को 159 करोड़ 50 लाख का लक्ष्य दिया गया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।